रेड वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, जैसे पहला है जे डॉट के, फॉर्मूला क्या होता है जे डॉट के का? जे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू के का मैग्नीट्यूड 1 और इनके बीच का एंगल का कॉस, कॉस 90। जे ऐसे होता है, के ऐसे होता है, तो एंगल 90 है, तो आंसर आएगा 0। अब हमें पता लग गया कि अलग अलग वाले का अगर डॉट किया जाए तो आंसर 0 ही आता है डायरेक्टली। और सेम सेम वाले का भी एक बार कर लेते हैं, के डॉट के 1 × 1 कॉस 0, 1111 आ गया ना, तो 1 ही आएगा। तो सेम सेम वाले का क्या आएगा? 1। तो सेम सेम वाले 1 आएंगे, अलग अलग वाले 0। जे डॉट आई 0, आई डॉट के भी 0। आई डॉट फिफ्थ वाला कर लेते हैं, आई डॉट आई क्रॉस जे, क्रॉस प्रोडक्ट में जो बचता है वो लेटर नाम होता है, तो आई और जे तो यूज होगा है, तो बचा के, आई डॉट के फिर 0 आ जाएगा। के डॉट सिक्स वाला देख लीजिए, आई डॉट आई क्रॉस के, जो कौन बच गया? जे बच गया ना, लेकिन आई के बाद के नहीं आता है, आई के बाद जे आता है, तो ये उल्टा है, तो माइनस जे होगा, फिर भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा। दैट इज हाउ यू सॉल्व इट।